पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, लोग घर में रह रहे हैं। पुलिस वाले लगातार काम कर रहे हैं, पुलिस वाले ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे हमें गर्व महसूस होता है। कहीं पुलिस वाले लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं, कहीं लोगों को पानी पिला रहे हैं, कहीं उनको हाथ कैसे सैनिटाइज किया जाता है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और जितने भी लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि पुलिस वाले उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें गर्व होता है कि हमारी पुलिस इतनी बहादुर है और ऐसे विषम परिस्थिति में हमारी पुलिस ऐसे काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो पूरे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। यह वाराणसी के लोहता इलाके में एक भरथरा नामक गाँव है। इस गाँव में एक परिवार ऐसा है जिसको पुलिस वाले ने बड़ी ही बेरहमी से पूरे परिवार को मारा है। बताया जा रहा है कि भरथरा गाँव में ये जो परिवार है उसके घर से कुछ दूरी पे एक मंदिर है। मंदिर में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे जिसको लेकर के पुलिस वाले उन लोगों को मार रहे थे। जब इस घर के लोगों ने आवाज़ सुनी लोगों को कराने की, लोगों को चिल्लाने की, तो ये लोग घर से बाहर बालकनी में आकर के देखने लगे। बस इनका यही कसूर था कि ये घर के बालकनी में आकर के झांक रहे थे। इसी को लेकर के पुलिस वालों ने इनको भद्दी गालियाँ देनी शुरू कर दी। जब इनके घर के पुरुषों ने इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने इनके घर के पुरुषों को बड़ी ही बेरहमी से घर में घुस करके मारा। उसके बाद जब महिलाएं और उनकी बेटियां सामने आईं तो पुलिस वालों ने और भी शर्मनाक हरकत की। पुलिस वालों ने वहां पे महिला कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, इसके बावजूद पुरुष पुलिस ने पूरे घर की महिलाओं को भी मारा। यहाँ तक कि गर्भवती एक महिला थी उसको भी मारा गया। दोस्तों, ये घटना सुनकर के हमें बहुत ही दुख होता है, बहुत ही शर्म महसूस होती है कि हमारी पुलिस ऐसा भी काम कर रही है। एक तरफ तो पुलिस ऐसे काम कर रही है जिससे हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होता है, हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन ऐसी हरकतों को देख करके एक मन में ग्लानि होती है कि हमारी पुलिस का एक दूसरा चेहरा ये भी है कि पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं तक को मार रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। पुलिस वालों को लोगों से इस विषम परिस्थिति में कॉम्बिनेशन करके काम करना चाहिए। पुलिस वालों को मालूम है कि 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान लोग अपने घर में रह रहे हैं, उनको घर में पड़े पड़े बोरियत महसूस हो रही है। जब कभी ऐसा, अमूमन जब हम अपने घर के बाहर कोई ऐसी आवाज़ सुनते हैं तो हम घर से बाहर आकर के देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर घर के बाहर हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसी हरकत पुलिस के द्वारा की गई कि पूरे परिवार को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहें, और साथ ही साथ पुलिस वालों से भी ये निवेदन करता हूं, अगर कोई पुलिस वाला मेरे वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सख्ती आप अख्तियार ना करें।